हेलो गाइस, स्वागत तुम सभी का पोकेमोन द लास्ट पायरेट के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोग वरेडियन फॉरेस्ट को पार करके पीटर सिटी में आ चुके थे एंड गाइस, हमको इस एपिसोड में जिम को हराना और हील भी कर लेते हैं। चलो फिर, हम हील कर चुके हैं एंड यहाँ पे जब देखते हैं, ये बैज की बात कर रहे हैं, मतलब बैज जब तक नहीं आएगा तब तक ये हमको जान नहीं देंगे। सो हम भी बैज लिए बिना कहाँ जाने वाले हैं। चलो फिर, हम अपने क्यूटल को ज़रा ट्रेन किया है, ट्रेन तो नहीं किया मैंने रत्ती भर कभी। चलो, मैंने अपने क्यूटल को आगे रख लिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ ग्रास ग्रास टाइप तो आ नहीं जाने वाले, यहाँ रॉक टाइप ही आने आएंगे। वाटर गन ही यूज़ करते हैं हम और क्या, बस ये गेम ज़रा इजी हो तो बढ़िया है, पुराने वाले गेम वर्जन की तरह ना हो। पुराने वाले वर्जन ने तो तेल निकाल लिया था। चलो फिर, हम एक बार हील करके आते हैं आपसे, हील करके। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ थोड़ा सा सामान खरीदने, जैसे कि ये मेडिसिन हमारे पास एक भी नहीं है, मतलब तीन थी, तीन तो काफ़ी नहीं होती हैं। चलो फिर, सेकंड ट्रेनर को भी हम डिफीट कर देते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास टाइम पास ना करे तो बढ़िया है, मैं काफ़ी तेज खेल रहा हूँ गेम को। एंड हमारा ट्यूटर फेंट हो गया, नो एनर्जी सिलिकोब्रा। अरे, इस पर तो असर भी नहीं कर रहा मूव। चलो फिर, एम्बर ही मारे रहो जब वर्क नहीं कर रहा मूव। चलो, ये तो गया, ये सिलिकोब्रा बस बचा है, सिलिकोब्रा को हरा देते हैं एंड हम एक बार और हील कर। एंड हमारा स्कोर बनी इवॉल्व हो रहा, रुको, इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो गया, रबूट बन चुका है हमारा स्कोर बनी। चलो फिर, सो अब मैं एक बार हील करके ही आता। सो गाइस, हम हील कर आए हैं एंड यहाँ से एक और ट्रेनर है, चलो इसको भी हरा देते हैं। हमारा पहला जिम इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, देखते हैं देखते हैं क्या होता है। ये हिप्पोपोटामस तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जियोडूड, एक गैलारियन जियोडूड, गैलारियन जियोडूड कौन से टाइप का होता है? ओह, डबल किक, तो गैलारियन जो जियोडूर उसके पास भी होना चाहिए, लार्वी टारेक। चलो बढ़िया है, अगर हमारा ड्रेडनोफे। सो एक बार और ब्रॉक से लड़ने से पहले हील करके। सो गाइस, हम हील करके आ चुके हैं। मैं एक बार सेव जरूर कर ले रहा हूँ क्योंकि हम पक्के से हार सकते हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आगे मैंने उसी को रखा है, ट्यूटल को। चलो, एंड दैट्स राइट, माय पोकेमोन आर ऑल रॉक टाइप, फॉर यू आर गोइंग टू चैलेंज मी, नोइंग दैट यू आई लूज, दैट्स द ट्रेनर हॉनर दैट कंपेयर यू टू चैलेंज मी। अच्छा बेटा, अभी देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है, स्लो कर लूँ। ओ, वी कैन डायनामैक्स ऑल्सो, एंड शुरू से ये जी मूव यूज़ करा, थोड़ी जल्दी जल्दी हमको 1 HP पे छोड़ा, स्मैकडाउन से हम नहीं बचे। देखते हैं क्या होता है, एंड हमने हरा दिया, वाह, मुझको लगा हरा दिया, वही मैं सोचूं हम इतनी जल्दी तो हरा नहीं देंगे। अरे, हम तो पक्के से हार सकते हैं। चलो, डायनामैक्स डार्कनेस यूज़ करते हैं, डायनामैक्स करके मैक्स रॉकी फॉल इसने यूज़ कर दिया, नहीं। चलो फिर, हम वो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम हार चुके हैं गाइस, मैं पॉज नहीं करने वाला, हम दोबारा से कोशिश करेंगे जीतने की। एंड इस बार मैं स्लो करके जीत कर रहूँगा, इस बार स्लो करो पहले तो, हाँ हमको पता है। चलो चलो, ब्लॉक,
हम तुमको हरा के रहेंगे। चलो भैया, ऑनिक्स, इसके ऑनिक्स को तो हमको हराना ही है। तो सबसे पहले तो मैं डायनामैक्स ही करता हूँ, एंड डायनामैक्स करके मैं स्विच नहीं करना, मैक्स जो भी मूव हो वो भी यूज़ करता हूँ। एंड हमारा फुल एच भी था भाई। चलो फिर उसने री मूव यूज़ किया हम पे, थोड़ा जल्दी, एंड ये गया। चलो 13 का हो गया हमारा, 14 का रूपी दी, 17 का रूट, नो चेंजिंग मैक्स गाइजर से ये जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं गया। चलो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, डबल किक यूज़ कर लेते हैं। ओ ही हैज़ डायनामैक्स योर हिज पोकेमोन। ये एम्पर को बुला के हम अपने भाई को हील कर लेते हैं। विशिंग पीस से तो कुछ हो जाने नहीं वाला, चीटल को ही हील करो। चलो देखते हैं हम इन्हें हरा पाते हैं कि नहीं। नहीं हरा पाएंगे लगता है। एंड ये हम हार चुके हैं दोबारा से। चलो फिर गाइज, मैं आपसे सीधे थोड़ा ट्रेन करके ही मिलता हूँ पोकेमोन। सो गाइज, मैंने वापस से चला गया हूँ गेम में बैक, एंड देखते हैं इस बार हम हरा पाते हैं कि नहीं। मतलब मैंने जितने लेवल अप हुए हैं वो लेवल अप कैंसिल। सबसे पहले तो मैं डायनामैक्स करता हूँ, एंड डायनामैक्स करके मैक्स गाइजर मारता हूँ इसके ऊपर। अरे ये 1 HP पे बच गया, ये मतलब हमको छोड़ने नहीं वाला। 13 का हुआ। अरे यार ये रुको, वी डोंट हैव समथिंग टू डू राइट नाउ। तो मैं इसका जीमो भी मार लेता हूँ, रिबूट अपना जीमो मारे। रिबूट के जीमो से इसको कुछ नहीं हुआ, बस अब मैं एक बार हील कर देता हूँ, पोशन लगा लेता हूँ, वरना मैं बचूँगा नहीं। वैसे भी नहीं बचा मैं। रूपी डी हॉन क्लो, मैं काम करता हूँ, ये तो हमें हारने ही वाला हूँ। चलो मैं हार गया, मैं एक काम करता हूँ, अब मैं शुरू रबूट से करूँगा। वी हैव टू स्टार्ट विथ रबूट। पहले स्लो करूँ, बहुत फास्ट है। देन वी हैव टू गो। चलो देखते हैं अब हमारा आप आते हैं कि नहीं इसको। एंड लगता है मुझे पूरा एपिसोड इसको हराने में ही लगाना पड़ जाएगा। ये जी मूव यूज़ कर रहा है इसका। अरे ये स्ट्रेटजी तो सड़ी निकली, लेकिन सड़ी तो नहीं निकली, मतलब ठीक ठाक ही निकली। अभी देखते हैं इसको, टायरेंट को हमारा पाते हैं कि नहीं। ये हमको पता नहीं कौन सा मूव यूज़ करता है। सो गाइज, अब मैं सीधे आपसे ट्रेन करके ही मिलता हूँ। सो गाइज, मैंने अपने ट्यूटर को 15 लेवल कर लिया है, एंड वही फ्रंट पे है। सो चलो फिर हम लोग कोशिश और करते हैं इसको हराने की। सबसे पहले तो मैं डायनामैक्स करता हूँ, इसके मूव से तो इसकी स्टडी बड़ी बेकार है। चलो देखते हैं हमारा पाते हैं कि नहीं। सॉरी फॉर द वो भट भट की आवाज़।
चलो फिर हमने इसके टायरेंट को तो हरा दिया। देखते टायरेंट ही सबसे मुश्किल था हमारे लिए। एंड एक और है इसका डायनामैक्स पोकेमोन, जो डायनामैक्स होने वाला है अभी, एंड जिसने हमें हरा दिया। मैक्स रॉकी फॉल, एंड देखते हैं हमारा रूकी डी कुछ कर पाता है कि नहीं, या मैं और ट्रेन करूं उसको, ये सबको ट्रेन करूं। चलो फिर हम हार गए हैं। एंड अब मैं सीधे सबको 20 लेवल करके, 20 नहीं बहुत ज़्यादा है, कम से कम 16-17 करके मिलता हूँ। सो गाइस हमने जरा अपने ट्यूटर को थोड़ा 16 लेवल कर दिया है। एंड चलो फिर हम जरा हील करके, सो गाइस चलो फिर जिम में घुस पड़ते हैं। 16 लेवल कर लिया लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा इसके, देखते हैं कितने लेवल पोकेमॉन से। 13 मैक्स गाइजर मारे, 1 HP पे रह गया ये। चलो ये तो गया। एंड इसका टायरेंट इसको इतना ख़राब मारता है इसका टायरेंट, और हमारे पास रिवाइव भी नहीं है कि हम रिवाइव कर सकते हैं, और इतना तेज तेज नम 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 मार रहा है। देखते हैं, एंड अब मुझको गुस्सा बहुत ख़राब वाली आ रही है, सो मैं इसको मैं सोच रहा हूँ अगले एपिसोड में, ये 10 से 11 मिनट का एपिसोड हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ, हार हार बस दिखाई है मैंने आपको। सो मैं सोच रहा हूँ मैं अगले एपिसोड में इसको हराऊंगा, मतलब इतनी ट्रेनिंग सबको 20-20 लेवल कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज टाइम वेस्ट ही हो रहा है हमारा। सो गाइज अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको ये फालतू वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें।